मध्य प्रदेश के श्योपुर की बात करते हैं, जहां ग्राम पिपरवास में बिजली के सर्किट में चार्जिंग पर लगाकर बात करते समय मोबाइल फोन फटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसे फटा था ये मोबाइल? चार्ज लगाते टाइम पे फट गया। चार्ज पे लगे हुए तुम क्या कर रहे थे उसका मोबाइल से? गेम खेल रहे थे तो अचानक से कैसे धमाका हुआ कोई? कितना जोर का? तेज? किस गांव के हो तुम? पेपरवास के हो? मोबाइल फटाए हो? कैसे फटाए? कौन है ये तुम्हारे? भैया का। हाँ तो कैसे फटा था तुम्हें पता कब चला था? मैंने तब पता चला दी सर बुला गया था। कैसे? जब मोड़ा लाटन ले लो। अच्छा मोबाइल कैसा था? जियो का। अच्छा तो तुम कहाँ पे थे जब? मैंने दूर 1 किलोमीटर दूर से बेटा को कनिवल। फिर अस्पताल कब लेकर आए थे तुम मोबाइल? कल लेकर आए। कल के लेकर आए हो यहाँ? अस्पताल में कैसी क्या की जा रही है? बढ़िया व्यवस्था करी हाल ही आता क्या मैंने तो वही तो बाद आराम मिले नहीं सब मजा लेने आ रही बात सही तो उसकी बेटी फट गई तो इसकी कैसे क्या वो की जा रही है ट्रीटमेंट? नहीं ट्रीटमेंट तो जो सामान चलता है वो चल रहा है। उसके काफ़ी ऐसे जला करा है वो मोबाइल फटने से ऐसे रेपर कर रहे हो कि यहाँ पे ही? हाँ वो डॉक्टर प्रशांत सांग ने ट्रीटमेंट किया था तो मैं उनसे पूछता हूँ। आपने देखा भी तो होगा? हाँ मैंने देखा पर इलाज के दूसरे डॉक्टर कर रहा है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि 108 नंबर टाइम पे नहीं पहुँची वहाँ पे। हाँ जी हमें सूचना मिली है कि 108 नहीं पहुँची टाइम से तो हमने जिला स्तर पर बात की है भोपाल भी बात की है तो वो कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं आपको जानकारी करते हैं कि क्यों नहीं पहुँची। पर ऐसी लापरवाही कब तक चलेगी ऐसे? ये 108 क्या है मेरे अंडर में नहीं है, ये भोपाल का अलग से कंट्रोल रूम है, इनका भुगतान वेतन का CMA जो कार्यालय श्योपुर से होता है। फिर भी मैं CM के साथ बात करूँ, मैं बता रहा हूँ पूछ के।